Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. तो दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो लेटेस्ट इफेक्ट जो है गॉड्स रे इफेक्ट जो अभी वर्जन आया है VSDC का, जिसमें गॉड्स रे इफेक्ट के बारे में बताया गया है जो कि प्रो वर्जन का इफेक्ट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर प्रो वर्जन नहीं भी ले रखे हैं तो आप नॉर्मल वर्जन में कैसे, फ्री वर्जन में कैसे गॉड्स रे इफेक्ट लगा सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें टू गेट ट्रिपल टी टिप्स ट्रिक एंड ट्यूटोरियल। So without making any further ado, let's get started this video. ये मैंने अपना VSDC ओपन कर लिया है, ठीक है। तो अब VSDC में सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लैंक प्रोजेक्ट लेना है। ब्लैंक प्रोजेक्ट लिया, देखिए अब मैं नई थोड़ी सेटिंग पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं अब जो वीडियोस बना रहा हूँ 30 FPS में बनाता था तो उसको मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं 24 FPS में बना रहा हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी 24 FPS में वीडियो लें तो आप उसमें इफ़ेक्ट देखेंगे कि आप प्रीव्यू और उसे करने में आसानी हो रही है। तो हम 24 FPS पे लिए हैं, बाकी सारी सेटिंग सिमिलर है, ठीक है। और उसके बाद हमने, पहले मैं आपको गॉड्स रे इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ। तो उसके लिए पहले हम टेक्स्ट एक अपना टाइप कर लेते हैं। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमने टेक्स्ट कमांड लिया टी टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर, ऐसे हमने टेक्स्ट खींचा, ठीक है। टेक्स्ट को हम उठा लाते हैं यहाँ पे, यहाँ उठा लाते हैं सेंटर में, नहीं तो अभी सेंटर में नहीं उठाएंगे तो फिर अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम टाइप करते हैं गॉड्स रे इफेक्ट, ठीक। इफेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, इफेक्ट, ठीक है। तो ये गॉड्स इफेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा दूँगा एडिटर में जाके, इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 250 कर दूँगा, ठीक। अब ये मैंने बढ़ाया, ये बढ़ाया, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट सेंटर में है। और कोई आपको वो लेना हो फॉन्ट तो आप ले सकते हैं एज योर विश। तो गॉड्स इफेक्ट चलिए हम लगाते हैं। एडिटर में गए, वीडियो इफेक्ट में गए, हम आ गए तुम्हारा नेचर में। नेचर में आइए, गॉड्स रे इफेक्ट, होल पेरेंट, ऐड न्यू लेयर, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे, ये प्रो वर्जन के लिए है, मतलब जब एक्सपोर्ट करेंगे तभी आप एबल होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए जब आपके पास प्रो वर्जन हो। तो ये गॉड वर्जन हमने लगा लिया, ठीक है। अब ये गॉड वर्जन जैसे लग रहा है, अब मान लीजिए इसमें अगर हम जूम इन इफेक्ट दें, फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट में, एडिटर में गए, वीडियो इफेक्ट, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म में आए हमने, जूम, ठीक है, होल पेरेंट किया, ओके किया, जूम इफेक्ट पे राइट क्लिक किया, मूव प्रॉपर्टीज़। अब लेवल्स को हमने चेक किया, इसको हमने कर दिया 300, ठीक, इंटर। अब देखिए इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। तो ये सेम इफेक्ट दे रहा है जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, वो सिमिलर इफेक्ट ये दे रहा है। तो इसी तरह का इफेक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विदाउट गॉड्स रे के इफेक्ट की मदद से। तो हमें गॉड्स रे इफेक्ट नहीं लेना है, तो हम किस तरह करेंगे, तो पहले हम इसको डिलीट करते हैं या गॉड्स रे को ही डिलीट करते हैं। ये जो दोनों इफेक्ट लगा रखा है हमने, इसको डिलीट किया, ठीक, हमने डिलीट कर लिया, हमने टेक्स्ट लिया। अब हमें क्या करना है, एडिटर में जाना है, वीडियो इफेक्ट में जाना है, और आप आओ फिल्टर में, फिल्टर में और मोशन ब्लर, ठीक है, मोशन ब्लर लीजिए, होल पेरेंट, ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़। अब ये लीनियर मोशन है, ठीक है, इस पर आप ब्लर डिस्टेंस क्लिक करो, ठीक, टेढ़ा हो गया ये, इसको आपको बढ़ाना है। मान लीजिए आपने किया 10 था, अब इसको आपने कर लिया 20, ठीक, पता नहीं चला, तो इसको हमें और बढ़ाना होगा। प्रॉपर्टीज़,
इसको हमने किया 100, 100, ठीक, मोशन ब्लर, ये देखिए हल्का सा हो रहा है इफेक्ट, 100 किया हमने। अब उसके बाद इसकी हम कॉपी बनाएंगे, मल्टीपल कॉपी, वी विल मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस टेक्स्ट। कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, अब ये चार पेस्ट किया हमने। टेक्स्ट टू में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाइए, अब इसको 100 किया था ना हमने, तो इसको हम 150 कर लेंगे, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करिए तीसरे वाले पे, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए, और इसको हम जो ये है इसको करेंगे 200, इंटर। और फोर वाले को हम करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आइए, राइट क्लिक, इसको टेक्स्ट को में ले जाइए, मोशन ब्लर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, अब इसको अपन कर लेंगे 250, ठीक। अब देखिए इस पर हम लगाते हैं, इसको पहले हम बनाते हैं स्प्राइट, तभी जूम इफेक्ट लगाएंगे, नहीं तो अभी ऐसे लगाएंगे तो केवल ये फैलेगा। ये देखिए, देख रहे हैं, राइट क्लिक करिए, इसको स्प्राइट कन्वर्ट टू स्प्राइट करिए, फिर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए, यूज़ एज कंटेनर नो करिए, शो इफेक्ट यस करिए, ठीक। उसके बाद आप एडिटर में आइए, वीडियो इफेक्ट और ट्रांसफॉर्म में जूम होल पैरेंट करिए आप, ओके, ठीक। अब इसमें जो है आपका लेवल वही रहने दीजिए, अब इसको प्ले करते हैं हम, देख रहे हैं। और ये जो बाहर जा रहा है ना, वो तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो चला जाता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए एक्सपोर्ट कर लेंगे, इजीली एक्सपोर्ट हो जाएगा, आप इस तरह से करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो बिना गॉड्स रे की मदद से आप इजीली गॉड्स रे इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी कि आप अगर प्रो वर्जन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो प्रो वर्जन का इफेक्ट भी आप VHDC के अलग तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।